यह बात उस समय की है जब एक गुरुकुल के आचार्य और उनके सभी शिष्य पास ही के गांव से होते हुए वापस उनके आश्रम जा रहे थे। और फिर गुरुकुल के आचार्य और उनके सभी शिष्य अभी रास्ते से थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी अचानक गुरुकुल के आचार्य को बहुत जोरों की प्यास लगी। इसी कारण आचार्य का गला सूखने लगा। इसलिए गुरुकुल के आचार्य उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य से कहने लगे कि पुत्र, यहाँ कहीं आसपास क्या पानी का कोई स्रोत है जहाँ से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी भरकर ला सकते हो। तभी आचार्य की इस बात को सुनकर वह शिष्य आचार्य से कहने लगा कि गुरुजी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी बस आपके लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। तब तक आप यहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लीजिए। और फिर इतना कहने के बाद ही वह शिष्य गुरुजी के लिए पानी लाने के लिए वहाँ से चला गया। और फिर जब उस शिष्य ने वहीं आसपास पानी के स्रोत को बहुत ढूंढा, परंतु उस शिष्य को कहीं भी आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। इसलिए वह शिष्य पानी की तलाश करता हुआ वहां से थोड़ा और आगे गया। और फिर उस शिष्य को थोड़ा आगे जाने के बाद ही एक पानी की नदी दिखाई दी। इसलिए उस नदी को देखकर वह शिष्य उस नदी के पास गया। और फिर जैसे ही शिष्य उस नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस नदी में गांव के कई लोग उस नदी में नहा रहे थे और कुछ अन्य लोग उस नदी में अपने कपड़े धो रहे थे। इसलिए यह सब देखकर वह शिष्य बहुत ही दुखी हो गया। और फिर वह सोचने लगा कि इस नदी का पानी तो गुरुजी के लिए ले जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस नदी में कुछ लोग नहा रहे हैं और कुछ अन्य लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, इसलिए इस नदी का पानी बहुत ही गंदा है। यह पानी गुरुजी के लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं गुरुजी के पास वापस लौट जाता हूँ। और फिर जब गुरुजी मुझसे पूछेंगे कि शिष्य तुम पानी लेकर क्यों नहीं आए, तो मैं गुरुजी से कह दूंगा कि गुरुजी, यहाँ कहीं आसपास कोई पानी का स्रोत था ही नहीं। फिर यही सब सोचकर वह शिष्य गुरुजी के पास जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर जब कुछ समय के बाद वह शिष्य गुरुजी के पास पहुँचता है तो उस शिष्य को देखकर गुरुजी कहने लगते हैं कि पुत्र, क्या बात है, तुम तो खाली हाथ ही वापस आ गए, क्या तुम्हें यहाँ कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं मिला। तभी गुरुजी के इतना कहने के बाद ही वह शिष्य गुरुजी से कहने लगता है कि गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने यहाँ आसपास पानी के स्रोत को बहुत ढूंढा, परंतु मुझे यहाँ कहीं आसपास कोई पानी का स्रोत मिला ही नहीं। फिर उस शिष्य ने गुरुजी से इतना कहा ही था कि तभी उन्हीं शिष्यों में से एक दूसरा शिष्य गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, आप चिंता ना कीजिए, मैं लाता हूँ आपके लिए पीने के लिए पानी। और इतना कहने के बाद ही वह दूसरा शिष्य गुरुजी के लिए पानी लाने के लिए वहाँ से चला गया, जिसके बाद उस शिष्य ने भी वहाँ आसपास पानी के स्रोत को बहुत ढूंढा, परंतु उस शिष्य को भी वहाँ आसपास कोई पानी का स्रोत मिला ही नहीं। जिसके बाद वह शिष्य भी उसी नदी के किनारे पहुँच गया जहाँ पर पहला शिष्य गया था। और फिर शिष्य जैसे ही उस नदी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि उस समय भी कुछ लोग नदी में नहा रहे थे और कुछ अन्य लोग अपने कपड़े धो रहे थे। इसलिए उस दूसरे शिष्य ने वहीं कुछ देर रुककर थोड़ा इंतजार किया। और फिर जब कुछ समय के बाद सभी लोग उस नदी के किनारे से चले गए और फिर जब उस नदी के पानी की गंदगी सारी नीचे बैठ गई तो उसके बाद ही वह शिष्य गुरुजी के लिए पानी भरकर लेकर गया। और फिर जब कुछ समय के बाद वह शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा तो उसे देखकर गुरुजी कहने लगे कि क्या बात है शिष्य, जब तुम्हारे मित्र पानी लाने के लिए गए थे तो उन्हें कहीं भी आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं मिला, तो फिर तुम ये पानी कहाँ से लाए। तभी गुरुजी के इतना कहने के बाद ही पहले तो उस शिष्य ने
गुरुजी की पूरी बात को ध्यान पूर्वक सुना और फिर वे गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, जब मैं पानी के स्रोत की खोज करता हुआ यहाँ से थोड़ा आगे गया तो वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी जिसमें कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ अन्य लोग अपने कपड़े धो रहे थे। इसलिए उस समय उस नदी का पानी बहुत ही गंदा था, इसलिए मैंने वहीं कुछ देर रुककर थोड़ा इंतज़ार किया और फिर जब कुछ समय के बाद पानी की गंदगी सारी नीचे बैठ गई तो उसके बाद ही गुरुजी, मैं आपके लिए पानी भरकर लेकर आया हूँ। फिर शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुजी बहुत ही खुश हुए और फिर वे शिष्य से कहने लगे कि शाबाश पुत्र, आज तुमने साबित कर दिखाया कि यदि कोई भी कार्य शांत मन से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है हमें शांत मन से यह सोचना चाहिए।